गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बत्रा सर आ गए आपके फ्लो चार्ट की सीरीज को लेके। देखो, सबसे पहला वेबिनार हुआ था 15/6 को, 15th of June, 15th of June को हमने पहला वेबिनार लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मेरी कॉपी किताब की टीम मुझे सुन रही है भाग्यश्री, तो जल्दी से इनको बता दें 7 सेमिनार्स में अब तक क्या हुआ। 8th है हमारा, कई बच्चे शायद आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, तो आप बताएं। तो 15 जून को फर्स्ट वेबिनार था जिसमें हमने बताया था हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने किया था 27 जून को क्लाउड कंप्यूटिंग पे। उसके बाद 30 जून को किया था बेटा हमने, 30 जून को किया था, 15 को तो शुरू किया था हमने, और 30 को 27 नेक्स्ट था, और उसके बाद 30 था जिसमें हमने डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। ये मैं आपको बताता भी जा रहा हूं, ठीक है ना। ये 15 का है बेटा, ये पहला वेबिनार है ना जो हमारा, ये 15 को चला था। दिस वाज आवर फर्स्ट वेबिनार 15 को, ये 15 का वेबिनार है बेटा, ये 15 का वेबिनार है हमारा, ठीक है ना। इसमें हमने बताया था बच्चा क्यों सी एग्जाम में फेल कर जाता है। बात आई सबको समझ में। उसके बाद हमने 27 को किया था बेटा, 27 को हमने किया था क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। वी डन ए वेबिनार ऑन 27, दैट वाज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये 27 को हुआ था हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने किया था 30th किया था डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन मेथड्स का। उसके बाद में हमने फोर्थ किया था हमने डाइवर्सिफिकेशन मेथड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सेशन था हमारा 4th जुलाई को, जिसमें हमने डिफरेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड किए थे। उसके बाद 6th भी हुआ था हमारा, हमने 6th किया था जुलाई में, 7th जुलाई को क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर किया था हमने। फिर हमने 7th किया था हमने 11th जुलाई को क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के ऊपर, और अब हम कर रहे हैं 8th वेबिनार। नाउ वी आर डूइंग 8th वेबिनार। तो सभी को समझ में आ गया हाउ मच वेबिनार वी हैव डन विद कॉपी किताब, इंडिया लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ई बुक्स, एंड नाउ विद बत्रा सर दे हैव एंटर्ड इनटू द एजुकेशन, स्पेशली सी एजुकेशन। तो हम प्रोवाइड करेंगे बेटा आपके एग्जाम तक यहाँ सी एजुकेशन की क्लासेस, ठीक है। सीरीज का हमारा ये 8th वेबिनार है। आई थिंक नाउ एवरीवन इज नोइंग व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ। 15 जून से हम बेटा लगातार हैं कॉपी किताब पे, और आपके लिए डिफरेंट क्लासेस लेके आए हैं, ठीक है। क्या क्या लाए बत्रा सर अब तक आपके लिए बेटा? सबसे पहले हम लेके आए क्यों बच्चा फेल हो जाता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डू नॉट्स ऑफ एग्जाम। उसके बाद हम केस बेस्ड स्टडी का लेके आए थे बेटा, फिर हम क्लाउड सर्विस के ऊपर खूब सारी सीरीज लेके आए थे, फिर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन मेथड की 2 सीरीज की थी, और अब बेटा हम फ्लो चार्ट शुरू कर रहे हैं, और आप लोगों के कहने पे शुरू कर रहे हैं। गुड इवनिंग, और कौन कौन आ गए मुझसे, साक्षी अग्रवाल, दिलीप कुमार, काफी बच्चे जुड़ गए। तो चलो बच्चों जी शुरू करते हैं आज का सेशन। सर क्या है आज का सेशन, जल्दी से बता दीजिए। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लो चार्ट सीरीज ऑन 7th ऑफ अगस्त। अब ये हर फ्राइडे सैटरडे को आएगी, टाइम भी फिक्स है हमारा, वी हैव फिक्स्ड आवर टाइम एवरी फ्राइडे सैटरडे 6 to 7 ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म। अभी मैं फ्लो चार्ट करूंगा और फिर उसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स ले लेंगे हम लोग। अब तक बेटा जो मैंने पढ़ा दिया था, हर्षवर्धन इस क्लास में है, मुझे हर्षवर्धन बताएगा बेटा हमने कितने 28 मार्क्स, कितने मार्क्स का कर लिया था बेटा लास्ट टर्म पे। हमने बताया था हाउ मच मार्क्स वी हैव कवर्ड टिल डेट, कितने मार्क्स का कवर कर दिया बेटा हमने फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल एज इन EIS, हाउ मच मार्क्स वी हैव कवर्ड। हर्षवर्धन रेस्पॉन्ड क्विकली बेटा, आप हमारे ऐप बत्रा सर ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा, उस पर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। लिंक अभी हम अपनी टीम को कह देते हैं, आपको दे देंगे, और मैं एक टूर भी करवा दूंगा सबसे लास्ट पर जाते हुए, ठीक है।
बत्रासर ऐप फॉर सीए प्रिपरेशन डाउनलोड करो, सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री पड़े उस पे। बत्रासर की ई बुक्स अवेलेबल है, बत्रासर के टेस्ट अवेलेबल है, बत्रासर के लेक्चर्स अवेलेबल है। और बेटा, और आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं इस क्लास में आगे चल के। हर्षवर्धन कह रहे हैं सर 25 से 30 नंबर के सवाल हमने कर लिए थे बेटा, और आज ये फ्लो चार्ट जो मैं करवा रहा हूं दिस इज एप्लीकेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स एज वेल एज ओल्ड कोर्स। हालांकि पिछले दो एक अटेम्प्ट से सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इट इज इन द कोर्स, सो इंस्टीट्यूट कैन आस्क अगेन एंड अगेन। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो हम इसमें करने वाले हैं, और डेफिनेटली इस क्लास में जो हम करेंगे वन ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन द एग्जाम, इसके बियॉन्ड कभी नहीं आता है। तो 30 मार्क्स तो आप पहले कर चुके थे, और अब 6 to 8 मार्क्स अपनी फ्लो चार्ट की सीरीज में इस फ्राइडे सैटरडे, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे, और जरूरत लगी तो उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे। सो यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट 38 मार्क्स क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव। अभी तो मैंने ऑब्जेक्टिव को छुआ ही नहीं है, उसकी एक अलग से सीरीज में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नवंबर एग्जाम में अब भी समय है। सो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एवरी वीक वी आर हैविंग 2 सेशंस, सो इन अ मंथ वी आर हैविंग 8 सेशंस, इन अ मंथ वी आर हैविंग 8 सेशन। सो अगस्त के हमारे पहले सेशन शुरू हो गए हैं, अब सितंबर में 8 आएंगे, अक्टूबर में 8 आएंगे। इस तरीके से आपका बेटा बहुत सारा कोर्स का हिस्सा हम करवा देंगे। सो यू हैव टू बी विद अस, ठीक है। आप कॉपी किताब प्लेटफॉर्म का धन्यवाद दे जो पैंडेमिक टाइम में सबसे पहले आपके लिए चीज लेके आए, और बत्रा सर को लेके आए आपके पास में। बेटा आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, आई हैव अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 31 इयर्स एंड 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट्स, और बेटा अब तक मैंने पढ़ा दिया 2 लाख से ज्यादा सीए कोर्स का बच्चा, और उसमें से 200 बच्चा ला चुका है ऑल इंडिया रैंक, जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो 75 से ज्यादा बच्चों की है बेटा। और इसमें से जो पढ़े हमारे हैं उनमें से 20,000 से बच्चा ज्यादा बन चुका है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनमें से 800 तो बच्चा केवल जोधपुर में इस समय सर्व कर रहा है बेटा। तो इंडियन अब्रॉड में बत्रा सर की लेगेसी है, क्या आप उस लेगेसी का हिस्सा बनना चाहेंगे? जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दें, क्या आप इस लेगेसी का हिस्सा बनना चाहेंगे? एग्जामिनेशन और रैंक की तैयारी करेंगे, पास तो आप हो गए बेटा, बत्रा सर के साथ आप जुड़ गए किसी प्लेटफॉर्म पे, पास होना आपका निश्चिंत है। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड रैंक, आर यू रेडी? हर्षवर्धन इज सेइंग थैंक्स कॉपी किताब फॉर प्रोवाइडिंग बत्रा सर लेक्चर। पुलकित कह रहा है, वो कह रहे हैं कि लिंक शेयर करने का जूम मीटिंग का, ओके विल डू इट दैट, वी विल डू दैट पुलकित, वी विल डू दैट, डेफिनेटली विल डू दैट। अमन भी आ गए, अमन शारडा भी आ गए, तो सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ऐसा होना चाहिए, ओके फाइन देन। तो बेटा हम शुरू करते हैं अपनी फ्लो चार्ट की सीरीज को। एनीबडी, कौन मुझे बताएगा फ्लो चार्ट किसको कहते हैं? एनीबडी हु विल टेल मी व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिख के बता दें, लिख के मुझे बता दें व्हाट इज ए फ्लो चार्ट। एनीबडी? पुलकित इज सेइंग टेलीग्राम पर कह रहे हैं सब ज्वाइन करने के लिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाग्यश्री आर यू लिसनिंग मी? शेयर द लिंक ऑफ दिस क्लास टू माय अदर स्टूडेंट्स, दे आर विलिंग टू ज्वाइन दिस क्लास इन लार्ज नंबर्स, सो प्लीज शेयर द लिंक हियर सो दैट अदर पर्सन कैन ऑल्सो एक्सेस दिस क्लास। भाग्यश्री आर यू लिसनिंग मी? प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस जून क्लास सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। We are going to start this flowchart session. Dilip कह रहे हैं it is flow of concept in the diagrammatical representation. Okay. Nikunj कह रहे हैं it is a diagrammatization representation of the logic. Okay. Anyone from the copy kitab team who are listening me? आ गया अभी Zoom का link, आ गया मिल लिंक आ गया बेटा, भाग्यश्री ने ज्वाइन करवा दिया है। फटाफट से पुलकित सभी को शेयर कर दो बेटा, टेलीग्राम के ग्रुप में सबको कह दो ज्वाइन करें इस क्लास को, कह दो सभी को ज्वाइन करने के लिए, फटाफट से कह दो। हर्षवर्धन इज सेइंग सर आई विल शेयर दिस क्लास डिटेल इन टेलीग्राम, इमीडिएटली शेयर सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन ऑल्सो। सो वी हैव रेडमी,
Who is Redmi? Identify yourself. Malik is there. Area in NS. So several. Shravani is also there. Roxy, Geetika Dua, Khushi Agarwal. So others are also joining. Okay. So we are starting, beta. है ना, धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे. मैं कह रहा था आपको, व्हाट इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट जैसा कि आपने बताया इज वेरी ट्रू. फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. मुझे जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मैं गूगल मैप का उपयोग करता हूं. उसमें मैं सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस बता देता हूं. द गूगल मैप शोज मी द एग्जैक्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, द मीडियोकर पाथ एंड द लॉन्गेस्ट पाथ. How I can reach from my location to another location, that is also a flowchart. So flowchart is basically a diagrammatical representation to solve any kind of problem. Now, what is the significance of flowchart for the CS students? Flowchart will provide you the different pros, different permutation and combination to solve a problem. And as far as CS students are concerned, आपको कई तरीके के permutation combination में tax calculation के लिए, accounting के लिए, costing के लिए जाना पड़ता है. That's why this topic is very apt. This topic is very important for all the CS students out there, whether you are from the old course or you are from the new course. So flowchart is necessary. Or flowchart ek bar aap pad lenge to aapki zindagi aasan ho jayegi. As far as examination is concerned, you can easily score 6 to 8 marks. Take my word. Hum is class mein jo beta aapko karwa denge na, uske beyond kabhi sawal nahi aata hai. Pichle 31 saal mein 62 CA exam attempt mein nahi aaya, to aage kaise aa jayega? कहां से आता है सर ये सवाल? ये सवाल आता है बेटा इन 24 पेजेस से, है ना. इसकी ई बुक पढ़ी है बेटा, हमारे हमारे चैनल पे पढ़ी है बेटा, है ना. कॉपी किताब वाले ऐप पे पढ़ी है, बत्रसर ऐप पे. यू कैन परचेज फ्रॉम देयर. इसमें से सवाल आएगा और मैं इसी में से सब कुछ करवाने जा रहा हूं आपको बेटा, ठीक है. 6 to 8 मार्क्स आइदर ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स विल बी कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है. तो देखे बेटा, शुरू करते हैं अपन फ्लो चार्ट को. व्हाट इज ए फ्लो चार्ट? So here comes the definition part. What is a flow chart? Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Chat box में मुझे फटाफट से बता दे, is it visible to all of you? Harshvardhan says yes. Umnam says yes. Erin Esnes says yes. Okay, so it is visible. So dekhen beta, flow chart ke definition ko. Color chain. I'm taking the green color. A flow chart is a diagrammatical representation to solve any kind of problem. Those problem which can be solved in any of the ways can be represented through diagrams. And that is known as flow chart. Achha sir, aisi baat hai kya? To sir, hame bataen. हमारे कोर्स में फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल यूज होते हैं? सो हेयर आर डिफरेंट सिंबल्स फॉर यू. नोट डाउन करें अपने साथ बेटा, कॉपी लेके बैठे हैं. फ्लो चार्ट में करवा रहा हूं, आपको घर पे बनाना है तभी बात हो पाएगी. मैं केवल समझाने नहीं आया हूं, मैं आपको हाथ से बनवाने आया हूं. तो अपने साथ कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठे और फटाफट नोट करते चले. द फर्स्ट सिंबल विच इज यूज इन फ्लो चार्ट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड एंड. फ्लो चार्ट जहां से शुरू करेगा, फ्लो चार्ट जहां पे रुकेगा, फ्लो चार्ट जहां खत्म करेगा, वहां हम बनाएंगे ये ओवल सिंबल, दो पैरेलल लाइंस, और इसको इस तरीके से हम लोग क्लोज करते हैं. क्लियर क्लियर क्लियर. पुलकित कह रहे हैं नोट्स देंगे आप? नहीं बेटा, ये नोट्स नहीं मिलेंगे आपको. आपको हमारे ऐप से परचेज करने पड़ेंगे, आपको हमारे ऐप से लेने पड़ेंगे. बहुत कम प्राइस पे, शायद 70 रुपीज पे अवेलेबल है ये, है ना. 70 रुपीज पे अवेलेबल है. कोई ज्यादा प्राइस रखा ही नहीं बेटा हमारे. जो हमारा टेक्नोलॉजी का प्राइस है, जो हमारा प्राइस लग रहा है वही रखा है. कोई ज्यादा पैसा लगता ही नहीं है. हर्षवर्धन वहां से डाउनलोड कर चुके हैं. हर्षवर्धन बताएंगे आपको, ही हैज टेकन नोट्स फ्रॉम दैट. और कोई बहुत बड़ा प्राइस रखा ही नहीं हमने. आज ही आप ऐप डाउनलोड करना और आप देखना, और अगर पढ़ते पढ़ते आप डाउनलोड कर लो तो आपको पता चल जाएगा बेटा, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है इसका. कोई ज्यादा प्राइस नहीं है. ओके ओके ओके. चलो, 70 रुपीज का है, रेडमी बता रहे हैं. अरे रेडमी अपना नाम बता दो, मैं फिर रेडमी कहना लग जाऊंगा आपको. व्हाट इज योर नेम? 70 रुपीज का है केवल. 70 रुपीज इज नथिंग, है ना. तो 70 रुपीज का है केवल, हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट ले रहे हैं, हम चार्ज ही नहीं कर रहे बच्चों. तो हमें मालूम है पेंडेमिक टाइम में कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा अच्छा, मनीषा मनीषा आ गई है बिटिया हमारी जोधपुर से. मनीषा जोधपुर से, फलोदी से, बिल्कुल ठीक कहा मैंने.
मनीषा चलिए, तो पहला सिंबल हो गया स्टार्ट स्टॉप एंड का ओवल सिंबल। सेकंड सिंबल होता है, सेकंड सिंबल किसका होता है? सेकंड सिंबल होता है हमारे इनपुट और आउटपुट का। सेकंड सिंबल होता है हमारे इनपुट आउटपुट का। इनपुट करेंगे हम लोग कीबोर्ड से, इनपुट करेंगे हम लोग कीबोर्ड से, इनपुट हम करेंगे कीबोर्ड से, इनपुट करेंगे हम लोग कीबोर्ड से। क्या हो रहा है ये? इनपुट हम करेंगे कीबोर्ड से, इनपुट हम करेंगे कीबोर्ड से और आउटपुट लेंगे स्क्रीन पर, आउटपुट लेंगे स्क्रीन पर। सो इनपुट इज फ्रॉम कीबोर्ड एंड आउटपुट इज ऑन मॉनिटर स्क्रीन। हम बनाते हैं इसके लिए एक पैरेललोग्राम, है ना, थोड़ा सा ऑब्लिक होता है, आमने सामने दोनों लाइंस पैरेलल होती है और इसको ऑब्लिक करके बनाया जाता है। अच्छा सर, तो ये कीबोर्ड से इनपुट के लिए है और आउटपुट के लिए क्या है ये? आउटपुट के लिए क्या है ये? आउटपुट के लिए स्क्रीन पे दिखाएगा। तो सर पेपर पे प्रिंट होता है क्या? बिल्कुल होता है ना बेटा, उसके लिए सिंबल ये रहा। हम क्या करेंगे बेटा? ऐसा सिंबल बनाएंगे, ठीक है? तो प्रिंटेड आउटपुट के लिए सिंबल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग। हु इज 1 2 3 4? आइडेंटिफाई योर सेल्फ टू आर कॉपी किताब टीम। अपना अपना नाम बताते जाए बेटा, है ना, ऐसे बड़ा मुश्किल होगा और मुझे तो सबको पता होना ही चाहिए, है ना। तो सब अपने अपने बेटे डिवाइस का नाम अपने नाम पे कर लें या हमें नाम बताते चलें जल्दी से। भाग्यश्री को बताते चलें, शी इज आर सपोर्टिंग फ्रॉम कॉपी किताब, शी टेक केयर्स एवरीबॉडी, आपकी सारी हेल्प करती चलेगी। शी इज अवेलेबल लाइव विद अस इन दिस क्लास। थैंक यू भाग्यश्री फॉर सपोर्टिंग मी फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज विदाउट यू दिस क्लास कैन नॉट बी पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच भाग्यश्री। थर्ड इज प्रोसेसिंग, थर्ड इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो हियर इज अ रेक्टेंगल, हम बनाएंगे बेटा इसके लिए रेक्टेंगल, हम बनाएंगे इसके लिए रेक्टेंगल। ओके 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 चलिए। फोर्थ इज कंडीशन या डिसीजन। इसके लिए हम लोग जब भी इफ पे कोई सवाल पूछते हैं, किसके बराबर है, बड़ा है, छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन, तो उसके लिए हम बनाते हैं बेटा डायमंड, डायमंड, डायमंड बनाएंगे हम लोग, हम बनाएंगे डायमंड सिंबल। फाइन फाइन, चार सिंबल हो गए, स्टार्ट स्टॉप एंड ओवल सिंबल, इनपुट आउटपुट, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, आउटपुट ऑन स्क्रीन, सिंबल इज पैरेललोग्राम, बट फॉर प्रिंटेड आउटपुट द सिंबल इज डिफरेंट, आई हैव टोल्ड यू। थर्ड इज प्रोसेसिंग, दिस इज कैलकुलेशन सिंबल। सो देयर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर। स्क्वायर में सभी 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 लाइंस बराबर होती हैं, ऑल द लाइंस आर इक्वल, बट इन रेक्टेंगल आमने सामने की इक्वल होती है, बट होती सब 90 डिग्री पे, है ना। सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो क्या आप हमें? फाउंडेशन में छोड़ा है हम, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। बता सर सब पढ़ाते हैं बेटा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा देते हैं, हर सब्जेक्ट को इंक्लूड कर देते हैं। ओके 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 सर आगे बताओ। फिफ्थ इज फ्लो ऑफ लॉजिक, हम कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सो देयर मे बी एनी एनी डायरेक्शन सिंबल, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं बेटा। अच्छा ये बात है सर। सिक्स्थ इज कनेक्टर, कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब होता है आप अलग अलग ब्रांचेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं, पेजेस पे डिफरेंट ब्रांचेस को जोड़ना चाहते हैं, देन यू नीड कनेक्टर्स। सो वन इज सर्कल, गोला बनाएंगे अपन, सर्कल उसको कहते हैं, सेम पेज कनेक्टर, एक ही पेज पे दो डिफरेंट ब्रांचेस को जोड़ देंगे। और जब आप पेज बदलेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आगे से पीछे जाएंगे, पेज बदलेंगे, रजिस्टर का पेज बदलेंगे, सर समझ में नहीं आएगा पेज कैसे बदलेंगे। जैसे ये फ्रंट पेज है, अब इस फ्रंट पेज से आपकी फ्लो चार्ट एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट पेज पे जा रही है, नेक्स्ट पेज पे जा रही है, इस पेज पे आ रही है, मतलब इस पेज से एक्सटेंड करते हुए इस पेज पे आ रही है, तो फिर आप ये कनेक्टर बनाएंगे। दिस इज पेंटागन, पांच भुजाओं वाला पेंटागन, इसको हम कहते हैं ऑफ पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर। तो बेटा कितने सिंबल हो गए हमारे पास में? टोटल सिक्स, टोटल सिक्स। चैट बॉक्स में फटाफट से सब लोग लिख के बताओ, एक्टिव रहा करो बेटा क्लास में। वंस यू आर इन बत्रा सर्स क्लास, द क्लास इज वेरी लाइवली एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले यू ऑल आर लिसनिंग एंड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, तभी बेटा इस क्लास को आगे चलाने का फायदा है। वन वे नहीं रखना चाहता, आई वॉन्ट दिस क्लास टू बी इंटरेक्टिव क्लास। सो प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या आप ये छह सिंबल समझ गए? फर्स्ट सिंबल किसका है बेटा? स्टार्ट स्टॉप और एंड का। फर्स्ट है स्टार्ट स्टॉप और एंड का, कौन सा है? ओवल सिंबल। सेकेंड इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम।
थर्ड प्रोसेसिंग रेक्टेंगल, फोर्थ कंडीशनल डिसीजन डायमंड बॉक्स, फिफ्थ फ्लो ऑफ लॉजिक एरो बनाते हैं किसी भी डायरेक्शन में जाना होता है, सिक्स कनेक्टर या तो सर्कल का या पेंटागन यूज करके बताएंगे बेटा कैसा होता है। क्या ये छह सिंबल सबको समझ में आ गए? क्या छह सिंबल सबको समझ में आ गए? आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल दी सिक्स सिंबल्स विच आई एम गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट कमिंग फ्लो चार्ट? टेल मी। दिलीप कह रहा है हाउ टू सर्च द टेलीग्राम चैनल, प्लीज सेंड मी द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। जरूरत ही नहीं है आपको बेटा, है ना, यहां पढ़ रहे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। एमवी हर्षवर्धन कह रहे समझ में आ गया, पूनम कह रही है समझ में आ गया, श्रावणी कह रही है यस सर, रेडमी बता रही है ESM 32 सर एक्सटेंडेड फैमिली है। ओके, तो मनीषा ने हेल्प कर दिया। यदि सर सेम पेज लेफ्ट राइट जाना है, सेम पेज पे है तो बेटा ये सिंबल यूज करेंगे। सेम पेज के लिए सिंबल है ये, सेम पेज के लिए सिंबल है ये, लेफ्ट राइट जाना हो तो पेज बदलेंगे तो सिंबल ये यूज करना पड़ेगा। सेम पेज पे तो सर्कल यूज करेंगे, पर ये सब मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको बेटा, सब यूज करके दिखाऊंगा मैं। निकुंज कह रहा समझ में आ गया, रेडमी कह रही समझ में आ गई, डेल ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, और एक कोई और भी था 2610B2E1, जल्दी से अपना नाम बता दे बेटा हमारी टीम को पता चले तो आपको बहुत सारी चीज हमारी तरफ से मिलनी है। गीतिका बेटा आप कहां से हैं? गीतिका दुआ फ्रॉम वेयर? कनिका दुआ तो एक बेटा हमसे मिलती है, गीतिका फ्रॉम वेयर? हु इज 1235, हु इज 261, हु इज डेल? अपने बारे में बेटा जल्दी से बता दो हमें ताकि हमारी टीम आपको आइडेंटिफाई कर सके। गीतिका इज फ्रॉम दिल्ली। ओके बेटा, ओके चलो। तो बेटा क्या ये छह सिंबल सबको समझ में आ गए? ये छह सिंबल सबको समझ में आ गए? से सिंबल सबको समझ में आ गए? चलो सबको समझ में आ गए। तो अब बत्रा सर चलते हैं आगे, ठीक है ना। भाग्यश्री बोल रही है कॉपी किताब टीम से हमारी, फ्यूचर अपडेट्स के लिए वी नीड बेटा योर डिटेल। आप बताएंगे नहीं तो बत्रा सर के आगे क्लास से कब होने वाले कैसे पता चलेगा? बत्रा सर बहुत सारी नई चीजें आपके लिए ला रहे, कैसे पता चलेगा आपको? इसलिए जल्दी से बता दे। ओके तेजस हैज कम टू आवर क्लास, वेलकम बेटा तेजस फ्रॉम कच्छ गुजरात। क्या चल रहा है? फ्लो चार्ट चल रहा है, बत्रा सर का फ्लो चार्ट चल रहा है तेजस। 1 2 3 4 5 इज शालिनी सोनी, 1 2 3 4 5 इज शालिनी सोनी। ओके गीतिका दुआ सर इज इट ए जनरल कंसेप्ट रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट? बेटा दिस टॉपिक is exclusively in the course of CA IPCC old course chapter number 1 and it is also in chapter number 1 of new course EISSM. It covers 6 to 8 mark question which are coming in the exam. So if you are CA student then this is for you beta, because 6 to 8 marks are definitely coming this time. Pichle ek do baar se nahi aaye to ye beta ab bahut due ho chuka hai, 100% the question is coming, aur main jo kara raha hu is class mein definitely unhi mein se ek aayega. Okay beta, आदर्श आ गए है, वेरी गुड बेटा, आदर्श आ गए हमारा डीपी चैलेंज का विनर। सर बुक में कहां मिलेगा? बुक में नहीं मिलेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां से मिलेगा बेटा, है ना, यहां से मिलेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से मिलेगा। आदर्श कह रहे हैं आज लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आप आ गए, बाहर आ गई, वेरी गुड। आदर्श आ गया, तेजस आ गया, बहुत आगे, बहुत बच्चे आ गए, वेरी गुड। चलो 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 चलो, तो कुछ नए बच्चे जुड़ गए हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज स्टूडेंट हम बता दे बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जो दो नए बच्चे आए हैं बेटा जल्दी से मुझे बता दो। आदर्श कह रहे हैं रिपीट करो, बिल्कुल बेटा मैं अगले 2-3 मिनटों में रिपीट कर रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया है, फिर हम चलेंगे बेटा इससे आगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा CA IPCC एंड CA इंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लो चार्टिंग टेक्निक बाय बत्रा सर, जो कि आपको 6 से 8 नंबर की मिलेंगी, चाहे आप ओल्ड कोर्स के न्यू कोर्स को, चैप्टर नंबर 1 न्यू और ओल्ड दोनों में कवर होता है बेटा ये, ठीक है। सो व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दुनिया की कोई भी समस्या कभी हल हो सकती है तो उसका बेटा डायग्राम बन सकता है। जैसे गूगल मैप के ऊपर आपको कहां से कहां जाना है, आप सोर्स और डेस्टिनेशन बनाते हैं, वो एक चार्ट बना देता है, दैट इज अगेन ए फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट बनाने के लिए 6 सिंबल का यूज किया जाता है, ऐसी बात है क्या सर? बिल्कुल ऐसी ही बात है। पहले सिंबल का नाम है बेटा स्टार्ट स्टॉप और एंड, स्टार्ट स्टॉप और एंड, और उसके लिए हम बेटा बनाते हैं ओवल सिंबल, दो पैरेलल लाइन और ऐसे बंद करते हैं। सेकंड सिंबल होता है इनपुट आउटपुट। आप तो सर बिटाते जा रहे हैं, लिख रहे हैं कि बिटा रहे हैं, दोनों काम साथ साथ कर रहा हूं बेटा आपके लिए।
सो इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कीबोर्ड से डेटा डालो, आउटपुट स्क्रीन पे देखो। उसके लिए बेटा सिंबल बनता है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज हिंदी में कहते हैं। आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है और ऐसे ऑब्लिक बंद किया जाता है। और अगर पेपर पे प्रिंट करना हो तो आपको बनाना पड़ेगा बेटा ये सिंबल प्रिंटेड आउटपुट का। बात आगे क्या सबको समझ में बेटा, बात आगे क्या सबको समझ में बेटा। पुलकित कह रहे हैं आप पेज 1.26 देख सकते हो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को, वहां थोड़े बहुत कवर्ड है, पर मैं तो बेटा बहुत कुछ करवाने जा रहा हूं, मैं बहुत कुछ करवाऊंगा यहाँ पे। थर्ड है बेटा प्रोसेसिंग, मतलब कैलकुलेशन पार्ट। उसके लिए बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए बनाते हैं रेक्टेंगल, ओके। फोर्थ सिंबल होता है बेटा कंडीशन और डिसीशन, कंडीशन और डिसीशन के लिए हम बेटा बनाया करते हैं क्या, डायमंड बॉक्स, डायमंड बॉक्स, डायमंड बॉक्स बनाते हैं ताकि इफ में कोई कंडीशन पूछ सके ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। और फिफ्थ होता है बेटा फ्लो ऑफ लॉजिक, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो चार्ट आगे बढ़ रहा है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, कोई भी एरो बना देंगे। और सिक्स्थ होता है बेटा कनेक्टर, अगर दो ब्रांचेस को आपस में जोड़ना तो हम यूज करेंगे कनेक्टर, कनेक्टर। कैसे कनेक्टर यूज करते हैं सर, कनेक्टर दो प्रकार के होते हैं बेटा। अगर आपको सेम पेज पे दो ब्रांचेस जोड़नी है तो बेटा आप बनाएंगे सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है, उसको कहते हैं सेम पेज कनेक्टर। और अगर आप डिफरेंट पेजेस पे ब्रांचेस को जोड़ते तो आप बनाएंगे ऑफ पेज कनेक्टर। यूज करके दिखाऊंगा बेटा क्या अब जो नए बच्चे जुड़ गए इसमें आदर्श तेजस एंड अदर्स, क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो मैं शुरू करूंगा आगे इससे, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो, यहाँ पे थंब वम तो होता नहीं है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे बेटा सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दे, थंब होता है यहाँ पे, हाथ होता है, थंब होता है, तो लिख के बता दो मेरे को, हाँ फटाफट से लिख के बता दो बेटा, अपने अपनी जगह बता दो। हर्षवर्धन ने थंब दे दिया मुझे, 1 2 3 5 मनीषा ने दे दिया है, निकुंज ने दे दिया है, विश्वनाथ विश्वनाथ विश्वनाथ, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग, फटाफट से सब लोग थंब लगा दो बेटा। राजेश ने दे दिया, तेजस ने दे दिया, श्रद्धा ने दे दिया, सभी फटाफट थंब दे दो मुझे ताकि मुझे पता चले। प्रीतेश भी जुड़ गए यहाँ पे, प्रीतेश भी जुड़ गए यहाँ पे, वेरी गुड प्रीतेश, प्रीतेश फ्रॉम इंदौर, एम आई राइट प्रीतेश, प्रीतेश इज फ्रॉम इंदौर, एम आई राइट प्रीतेश। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, बत्रा सर ने शुरू कर दिया है फ्लो चार्टिंग टेक्निक को। व्हाट इज द फ्लो चार्ट, व्हाट इज द फ्लो चार्ट, व्हाट इज द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। Any problem which can be solved in this world can be solved in a diagrammatical way because that is the easiest way of understanding. हम चित्रों के अनुसार जब चीजों को प्रेजेंट करते हैं वो समझने में आसान होती है बेटा। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत कही भी है, कहावत क्या है बेटा, वो क्या सेइंग है बेटा, ए पिक्चर इज वर्थ इक्विवेलेंट टू 1000 words, ए पिक्चर इज वर्थ इक्विवेलेंट टू 1000 words। मतलब अगर आप कोई चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकते तो उसका एक छोटा सा स्केच बना दो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बात आई क्या मेरी समझ में बेटा। अच्छा 261 है गौतम फ्रॉम गोरखपुर, ओके, तो सभी बात पता चल गए भाग्यश्री, नाउ वी आर नोइंग ईच एंड एवरीबडी। अब भी कोई रहता है भाग्यश्री फिर से पूछ ले, रेडमी हो गया, 261 हो गया, और कौन रह गया जिसके बारे में हम नहीं जान रहे यहाँ पे। दीज इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय आर बैकग्राउंड टीम, कॉपी किताब टीम, बिकॉज 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 यू हैव टू बी अपडेटेड for new coming classes of Batra sir on copy kitab platform. But I welcome you all on behalf of myself Batra sir and copy kitab, India's leading digital business platform for ebooks, for ebooks, and now they have entered into the education also with a Batra sir for C education, and I'm teaching beta this from 15th of June, 15 June se beta main, ye mera 8th webinar hai, ye mera 8th webinar hai beta copy kitab pe, humne shuru kiya tha 15th ko ye batane ke liye ki bachcha pass kyun nahi kar pata hai, aur beta fir humne is series ko aage badhate hue aaj 8th lecture le rahe hain, aur har Friday Saturday ko sham ko 6 se 7 baje beta milenge copy kitab ke platform pe, every Friday Saturday from 6 to 7 every Saturday, to week mein beta hamari 8 classes hone wali hai, flowchart series shuru ho chuki hai, iske baad aur bhi kuch aisi cheez hum yahan pe करेंगे बेटा जिससे आपका एग्जाम नवंबर का एग्जाम इफ इट हैपेंस बहुत आसान बनने जा रहा है। तो अगर बेटा हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, आपको बेटा कॉपी किताब का ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, तो बेटा मैं आपको भाग्यश्री को मैं कहूंगा कि वो आपको बत्रा सर ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दे, हमारे बत्रा सर ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दे, आप सभी बच्चे इस लिंक के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कर दो, इस पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक, और बेटा बत्रा सर की ई बुक मिलेगी आपको यहाँ पे, जैसे आज की मैं बता रहा हूँ इस क्लास के ये नोट्स, इस क्लास के नोट्स जो कि फ्लो चार्ट के बेटा, ये केवल 70 रुपीज में वहां पे अवेलेबल है, 70 रुपीज में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, है ना, ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पढ़िए बेटा हमारी, ये इसकी आईटी की एसएम की,
30 rupees, only 30 rupees में पड़ी है। लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा हमारे, लेक्चर्स अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ 70 rupees, 100 rupees, एक एक इंडिविजुअल लेक्चर यू कैन टेक। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप हमारा लेक्चर भी बेटा वहां से ले सकते हैं, थ्रो अवे प्राइस पर रखा हुआ बेटा हमने वहां पे। और चूंकि 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 हम आ चुके हैं बेटा इंडिपेंडेंस डे के नजदीक, इंडिपेंडेंस डे के नजदीक, तो कॉपी किताब टीम ने मुझे कहा, सर बत्रा सर क्या तोहफा देंगे आप अपने बच्चों को, क्या तोहफा देंगे सर आप अपने बच्चों को, तो बत्रा सर बेटा आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही तगड़ा अनाउंसमेंट। सर क्या है वो अनाउंसमेंट? आप बत्रा सर की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, किसके लिए? नवंबर 20 एग्जाम के लिए और मई 21 एग्जाम के लिए, एट ए प्राइस ऑफ ओनली 1999। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस बत्रा सर के अवेलेबल है बेटा, आप ले सकते हैं ओनली एट ए प्राइस ऑफ 1999। जो लोग भी बुक करना चाहते हैं, भाग्यश्री अपना एक नंबर दे देगी, उस पर बुक करवा देना, आपको सारी क्लासेस गूगल लिंक के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगी, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे 1999 पे। बत्रा सर की सारी लेटेस्ट क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी बेटा आपको फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ नवंबर 20 एंड मई 21 में बेटा आपको मिल जाएंगी, ओल्ड कोर्स के लिए भी न्यू कोर्स के लिए भी, एट ए प्राइस ऑफ 1999, 1999 रुपए, 2000 रुपए भी नहीं बेटा, 1999 रुपए पे बत्रा सर 74वें स्वतंत्रता दिवस पे बेटा आपको एक तोहफा दे रहे हैं। आप हमारी सारी क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 120 आवर्स की क्लासेस अवेलेबल है फॉर सीए न्यू कोर्स ESSL, और करीब करीब 90-100 आवर क्लासेस अवेलेबल है बेटा ओल्ड कोर्स के हमारे। सो यू कैन टेक फ्रॉम आर कॉपी किताब ऐप और आपको ये क्लासेस वहां मिल जाएंगे बेटा। वैसे इसकी प्राइस आप सबको पता है 8-10,000 रुपीज है, हम भी अपने पेन ड्राइव 10,000-8,000 रुपीज में सेल करते हैं, पर ये कॉपी किताब ने मुझे कहा सर क्या लाएंगे सर आप इस स्वतंत्रता दिवस पे, तो बत्रा सर बेटा आपके लिए लाए हैं इस पेंडेमिक टाइम में एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बेटा ऑफर 1999, 1999 में नवंबर 20 के लिए और मई 21 के बच्चों के लिए, ठीक है? सारे के सारे बेटा कोर्सेज के सारे वीडियोस वहां पे आपको अवेलेबल है, आप उन्हें वहां से ले सकते हैं। कॉपी किताब की टीम आपको सपोर्ट करेगी, आप परचेज करना चाहते हैं तो आप अपनी जानकारी भाग्यश्री को दे दे, भाग्यश्री इनके डिटेल को आप नोट कर लेना। चलो बेटा हम आगे चल रहे हैं। सर कितनी कैटेगरी में होते हैं? बेटा ये कुल मिला के 3 कैटेगरी में होते हैं, जिन फ्लो चार्ट्स को हम पढ़ने आए हैं आज यहाँ पे, तीन कैटेगरी में होते हैं। गीतिका कह रही है सर सीए इंटर से रिलेटेड है, बिल्कुल है बेटा, सीए इंटर चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, 6-8 मार्क्स क्वेश्चन एवरी टाइम कमिंग, पिछले 1-2 अटेम्प्ट को छोड़ दें तो हर बार आया बेटा, आपको तैयार करना है इसमें से, ठीक है? दिस इज आर एट्थ वेबिनार। हर्षवर्धन इज सेइंग वेरी करेक्टली, 15 जून से हमने शुरू किया था वेबिनार करना, सो दिस इज 8th इन द सीक्वेंस, ठीक है? ये सब बेटा आपको मिल सकते हैं हमारे चैनल पर, सर आपका चैनल है? हाँ बेटा मेरा चैनल है, वो चैनल मैं बता देता हूँ बेटा, उस चैनल पे हमने सब अपलोड कर रखे हैं, आप उस चैनल पर आ सकते हैं। आप उस चैनल पे आ सकते हैं बेटा, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, बत्रा सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी बेटा। बत्रा सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बेटा, जिस पर हम कॉपी किताब के साथ ये सारी चीजें ला रहे हैं बेटा, आपके लिए। सो दिस इज आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेयर दीज आर लोडेड बेटा। ये रहा हमारा वो चैनल प्रोफेसर जे एस बत्रा, ये SSM ITSM एंड इसका गुरु। तो ये बेटा रहे सारे वीडियो, देखो वेबिनार के सारे वीडियोज आपको अवेलेबल है यहाँ पे, ये रहे सारे वीडियोज बेटा। ओके
सो दिस इज आवर ऑफिशियल ऑफिशियल चैनल जिस पर हमने इसको अपलोड कर रखा है, आपको पता चल गया होगा बेटा ये, और हमारा ऑफिशियल ऐप है बत्रासर ऐप फॉर सीए प्रिपरेशन, जो कि कॉपी किताब के प्लेटफॉर्म पे लोडेड है बेटा। सो वी आर हेयर इन द पेंडेमिक टाइम टू हेल्प द स्टूडेंट एंड टू गिव एंड इम्पार्ट द नॉलेज सो दैट यू कैन पास इजीली नवंबर 20 और ऑनवर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, आपको हमारी सारी ई बुक्स मिल जाएंगे बेटा इस ऐप के ऊपर। ये दे रखा है बेटा एक लिंक, यहाँ पे भाग्यश्री ने लिंक अवेलेबल करवा दिया है, बत्रासर ऐप यहाँ पे दे रखा बेटा। और अब तक बेटा इसके 558 डाउनलोड्स भी हो चुके हैं, आप बच्चों ने इसे प्यार दिया है और डाउनलोड लगातार जारी है बेटा। सर कितनी कैटेगरीज होती है सर फ्लो चार्ट की? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फ्लो चार्ट बेटा, मैथमेटिकल, बिजनेस एंड एरे। सर इतना डिटेल में तो कोई बताता ही नहीं है बेटा, इसीलिए तो कुछ लोग केवल 40 की तैयारी करवाने आते हैं आपको, क्योंकि वो खुद भी 40 ही पढ़े हुए हैं। बत्रा सर तो खुद ही मेरिटोरियस रहे हैं। आई हैव डन बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, लाचू कॉलेज में पढ़ता था बेटा मैं जोधपुर में। Then I had an MSc in physics. I was topper of the university, Jai Narayan Vyas University. Old campus की बजाय new campus में लगता था बेटा ये। Then I have done masters of computer application from engineering college, MBM engineering college, one of the oldest engineering college of India. 1965 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, मगनी रामजी बांगड़ उनके पैसों से। और बेटा उस कॉलेज से मैं निकला, that was the first batch of MCA. I was the gold medalist of that batch. तो बेटा जब rankers teacher हूँ आपके, तो बेटा आपको भी ranker और exemption की तैयारी करवाने आते हैं हम। पास तो बेटा बत्रासर से जुड़ने से ही हो जाता है बच्चा, क्योंकि हम वो तरीका बता देते हैं कैसे आपको एग्जाम में अटेंड करना है। तो बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं डिटेल क्लासिफिकेशन की, डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। सो इन आर क्लासेस वुड यू गेट इज द रियल नॉलेज। हम रटाते नहीं है बेटा, हम हेडिंग सबहेडिंग पे बात नहीं करते, वी टॉक ऑफ द रियल नॉलेज जो बच्चों को हमें देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, 1989 का भी पुराना पढ़ा हुआ मेरा बच्चा आज मुझे मिलता है, 90s का मिलता है, उसके बाद का मिलता है, कहता सर बाकी कुछ याद है नहीं है, फ्लो चार्ट आज भी हमें याद है, फ्लो चार्ट आज भी याद है। उसमें से कुछ बच्चे जो 2000 के बाद मुझसे पढ़ के गए थे, मैं जिस एरिया में जोधपुर में रहता हूँ, इट इज शास्त्री नगर है ना, उसके बिल्कुल पास में कई सारी बैंक्स है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है। तो मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आज वहां सर्व कर रहे हैं। तो जब मैं घर से निकल के अपने लोकल जोधपुर की क्लासेस में जाता हूँ क्लास लेने के लिए, इन बिटवीन वो कई बार मुझे मिल जाते हैं, वो कहते हैं सर हम वो किताब खोलते हैं ना बैंक की, तो उसमें कई सारे फ्लो चार्ट आते हैं, तो हमें आपकी क्लास याद आ जाती है। हमें आज भी याद है वो 6 सिंबल आप बताते थे और कैसे काम करते थे। और बेटा टेक माई वर्ड, हमारी ये फ्लो चार्ट की क्लासेस के बाद फ्लो चार्ट का डर आपका दिमाग से खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा अपन फ्लो चार्ट। 3 कैटेगरी में होते हैं फ्लो चार्ट बेटा, कौन से? मैथमेटिकल, बिजनेस एंड एरे। आदर्श सिंह, हार्ड कॉपी में बुक्स परचेज कर सकते हैं क्या? हार्ड कॉपी में बुक्स परचेज कर सकते हैं क्या? भाग्यश्री बताएंगे बेटा आपको। ई कंटेंट में डील करती है बेटा कॉपी किताब, उसके लिए आप बत्रासर से संपर्क कर लेना, हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आप ई बुक ले लो बेटा, ई बुक ज्यादा इजी है। अभी पेंडेमिक में हम वैसे भी डिलीवर नहीं कर पा रहे बेटा, हम अभी पेंडेमिक टाइम में कुरियर कहां से देंगे बेटा, इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म आया है बेटा। तो प्रिंटेड छोड़ दो आप हमारे कॉपी किताब से डाउनलोड कर लो, इट इज एज गुड एज बुक है ना। अभी तो कुरियर वाले डिलीवर नहीं कर रहे। अच्छा, बारिश चल रही है मैक्सिमम जगह तो है ना, पानी भरा हुआ है, कैसे पहुंचाएंगे हम लोग? कई जगह कंटेनमेंट जोन है। मैं आज अपने जोधपुर की बात बता देता हूँ, आज जोधपुर के कलेक्टर ने रात 8 बजे से लेके मंडे सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन कर दिया है, अपना लॉकडाउन कर दिया है, देश नहीं कर रहा है, पर जोधपुर में केसेस इतने बढ़ रहे हैं बेटा कि जोधपुर के कलेक्टर ने रात को 8 बजे से मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक कंप्लीट शटडाउन लॉकडाउन कर दिया है, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में कहां से आएगा कुरियर बेटा, इसलिए आप ये ई बुक्स पे भरोसा करें। दैट इज ऑल गुड। ठीक है, चलो सर शुरू करें सर। तो बेटा मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखते चलें, क्योंकि अभी आपके पास नोट्स नहीं है, और जिनके पास है हर्षवर्धन ने डाउनलोड कर लिए हैं, तो हर्षवर्धन वहां से देख सकता है। तो बेटा ये सवाल आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, ये बत्रासर के फ्रेम किए हुए हैं और पिछले 31 सालों से पढ़ा रहे बेटा बत्रासर, उसको रिफाइन करते हुए, और ऐसा करने के बाद सवाल बेटा समझ में आ जाता है और आप कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, ड्रॉ ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। पहला सवाल क्या बेटा हमारा, ड्रॉ ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। हम एक सवाल करने जा रहे हैं जिसमें हम पहले 100 इवन नंबर को जोड़ेंगे। एनीबडी कौन मुझे बताएगा बेटा इवन नंबर्स की शुरुआत कहां से होगी? चलो सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स में सीक्वेंस लिख के बता दो किन को एड करना है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम विच नंबर, वॉट विल बी द नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड, एंड इट विल एंड टू वॉट नंबर। 3 चीजें मुझे लिख के बता दो, कहां से शुरू करेगा, प्लस कौन सा नंबर अगला आएगा, प्लस 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 डैश डैश डैश, लास्ट नंबर क्या होगा। फटाफट से एक सीक्वेंस लिख के बता दो बेटा मेरे को।
शौर्य राव कह रहे हैं 2+4+6, तेजस कह रहे हैं 2, 4, 6, मनीषा कह रही है 2, 4, 6, निकुंज कह रहे हैं 2+2, आदर्श कह रहे हैं 2+4+6 अप टू 100, विनय कह रहा है 1+3+5 199, गीतिका दुआ कह रही है 2+4+6 अप टू 198। देखो भाई शौर्य, आपने 2+4+6 तो ठीक कहा है, पर 100 नहीं होगा, ये 200 तक जाएगा। और विनय ने तो ऑल टुगेदर ऑड नंबर की बात कर ली। बेटा मैं इवन की बात कर रहा हूं विनय, आई एम टॉकिंग ऑफ इवन नंबर्स, यू आर टॉकिंग ऑफ ऑड नंबर। आपने सवाल ही चेंज कर दिया विनय, यू हैव चेंज द क्वेश्चन, यू हैव चेंज द क्वेश्चंस। आदर्श 100 तक नहीं जाएंगे बेटा, 200 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे बेटा। और गीतिका 198 पे खत्म नहीं करेंगे, 198 तक जाओगे तो 99 इवन नंबर ही जुड़ेंगे। हर्षवर्धन बिल्कुल सही है, 200 तक जाना पड़ेगा। विनय यू हैव चेंज द क्वेश्चन, ऑड नहीं, हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर। सबको समझ में आया क्या? तो बेटा इस पहले स्टेप को कहते हैं हम एनालिसिस। क्या कहते हैं बेटा? एनालिसिस। हम लिखेंगे सम इक्वल टू 2, पहला इवन नंबर क्या होता है 2, पहला इवन नंबर क्या होता है 2। क्या मेरी बात को सब लोग एग्री करते हैं? द फर्स्ट इवन नंबर इज 2, द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1। डू यू एग्री विद माय पॉइंट? यस लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से यस लिख दो। दिलीप 198 तक नहीं जाएगा, इट इज 200। 198 तक जाओगे तो 99 ही इवन नंबर जोड़ पाओगे, 200 तक जाओगे तब 100 ऑड नंबर भी, 100 इवन नंबर भी जुड़ेगा। अरे सिमरन भी आ गई, क्या बात है सिमरन, आर यू ओके? सिमरन कैसी तबीयत है बेटा आपकी? हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ सिमरन, हाउ यू बेटा? रानीगंज कोलकाता से सिमरन बिटिया आ गई मेरी। नहीं सर अभी भी फीवर है। ओके ओके ओके, टेक केयर बेटा, मौसम बड़ा खराब है। बिटिया आ गई मेरी मॉनिटर, बिटिया सिमरन बिटिया मेरी मॉनिटर आ गई, क्या बात क्या बात क्या बात। चलो अब सिमरन यहां भी संभाल लेगी, संभालोगे ना यहाँ पे भी बेटा, जैसे आप दूसरी जगह संभालते हो बेटा हमें, है ना बेटा? ये कॉपी किताब प्लेटफॉर्म है, सभी बच्चे केवल कॉपी किताब की ही बात करेंगे, है ना? हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की यहाँ बात नहीं करेंगे। हम जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे होते हैं बेटा तब हम वहां उसकी बात करते हैं। सो मेक द डेकोरम बेटा, सारे बच्चों को ये डेकोरम मेंटेन करना है। जब आप बत्रा सर के साथ कहीं भी होते बेटा तो केवल उसी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे हम। बत्रा सर बेटा कई प्लेटफॉर्मों पे हैं एक साथ ही, है ना? तो आपको केवल उसी प्लेटफॉर्म की बात करनी है। सो विल टेक केयर दैट, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। वी आर ऑन इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ई बुक्स, ई बुक्स, ई बुक्स। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है विथ 8 मिलियन करंट यूजर्स, 8 मिलियन, 8 मिलियन का मतलब समझते हो बेटा? 8 मिलियन का मतलब समझते हो? 8 मिलियन का मतलब समझते हो? 80 लाख बच्चों का परिवार है कॉपी किताब, 80 लाख बच्चों का परिवार है कॉपी किताब। केवल सीए कोर्स ही नहीं, साइंस कॉमर्स आर्ट सारी स्ट्रीम बेटा इस पे अवेलेबल है। कभी आप विजिट करो बेटा हमारी साइट, भाग्यश्री आई विल से टू यू, आप हमारी साइट का नाम बता दे www.copykitab.com। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट बुक स्टोर, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट बुक स्टोर बेटा, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट बुक स्टोर एंड इट इज फाउंडेड बाय वेरी टू यंग एंड एनर्जेटिक पीपल, मिस्टर सुमित एंड मिस्टर अमित। इन दोनों ने इसे फाउंड किया बेटा, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरी जर्नी इनके साथ बेटा बहुत अच्छी रही है अब तक, और मैं इनके लिए बेटा एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूं। और हम बेटा अपनी डिजिटल बुक्स को यहां पे रखते हैं कॉपी किताब पे, और उसके साथ साथ अपने कंटेंट को भी बेटा यहां देते हैं। और बत्रा सर ने जैसा अभी बताया, इस 15 अगस्त पे बेटा बत्रा सर अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए एक स्कीम ले आए हैं। क्या है बच्चा, सब लोग स्कीम समझ लो। नवंबर 20 और मई 21 के जितने भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, घर पे पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनके लिए बत्रा सर के रिकॉर्डेड लेक्चर 120 आवर्स के, नवंबर 20 के लिए और मई 21 भी अगर कोई दे रहा है तो, और उसके साथ साथ बेटा ओल्ड कोर्स का कोई बच्चा दे रहा है तो उसको हम अवेलेबल करवा रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 1999, केवल 1999 में बत्रा सर की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड, फ्रेश रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स। इसकी आप ग्लिम्पसेस देखना चाहते हैं, हमारे ऐप पे चले जाना बेटा, हमारे ऐप पे चले जाना, या फिर आप हमारे चैनल ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा पे चले जाना यूट्यूब पर, आपको हमारे ग्लिम्पसेस मिल जाएंगे, देन यू डिसाइड टू परचेज। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, यू पे दिस टू कॉपी किताब। ये सब कॉपी किताब के थ्रू हो रहा बेटा, ये सब कॉपी किताब करता है मेरे लिए बेटा, कॉपी किताब करेगा मेरे लिए सब चीजें।
आप कॉपी किताब को कहें वो इमीडिएटली आपको गूगल लिंक अवेलेबल करवा देंगे, ई बुक्स अवेलेबल करवा देंगे। इस पेंडेमिक टाइम में बेटा हम बुक्स को डिलीवरी नहीं कर पा रहे, किताबें जा ही नहीं रही है, कहीं बाढ़ आई हुई है बेटा, कहीं पे कंटेनमेंट जोन है, कहीं पे इंटर स्टेट जो है वो माल निकलने नहीं दे रहे हैं, तो हम ई बुक्स दे रहे हैं और अपने कंटेंट दे रहे हैं, तो पेमेंट के इमीडिएट विद इन 24 आवर्स आपको ये लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं बेटा। बागेश्वरी ने बता दिया बेटा ये कहां मिलेंगे आपको, copykitab.com पे मिलेंगे। आज समय मिले तो एक बार विजिट करें बेटा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुक स्टोर है बेटा ई बुक्स का, 8 मिलियन एक्टिव करंट यूजर्स, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेटा। बत्रा सर जॉइंट्स के साथ काम करते बेटा, बत्रा सर जॉइंट्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो किसी फील्ड के हो, बत्रा सर जॉइंट्स के साथ काम करते बेटा। सिमरन कह रही है हां जी सर, बस थोड़े दिन बाद तबीयत ठीक होने दीजिए ना सर, हम अपना सारा ड्यू कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल बेटा, ओके ओके ओके। तो बत्रा सर बेटा आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे हमें 100 इवन नंबर्स को जोड़ने का बनाना है मैथमेटिकल फ्लो चार्ट। तो बेटा हमारी सीरीज हो जाएगी 2+4+6+8+ एंड सो ऑन अप टू 200। बात आ गई क्या सबको समझ में, बात आ गई क्या सबको समझ में? ठीक है, तो मैं एक बिल्कुल फ्रेश पेज पे इसको आपके सामने बनाना शुरू करता हूँ बेटा, आपके सामने बनाना शुरू करता हूँ। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन, हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन। थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं। सो व्हाट वी हैव टू मेक, व्हाट इज द एनालिसिस देन? एनालिसिस इज सर सम इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट इवन नंबर। 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो यस सर लिख दो, मेरी बात से एग्री करते हैं तो यस सर लिख दो। 0 इज नाइदर काउंटेड इन इवन नॉर इन ऑड। तो पहला इवन नंबर 2 है, पहला ऑड नंबर 1 है। एग्जैक्टली समझ में आ गया? 0 0 0 रियल नंबर में काउंट होता है, 0 0 0 रियल नंबर में काउंट होता है। ठीक है, सभी लिख रहे हैं यस सर। ओके ओके, सो 2+4+6+8 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर क्या होगा बेटा? 200 होगा। सर कैसे पता किया आपने, सर कैसे पता किया आपने? क्या हो गया? तो कैसे पता किया सर आपने? आपको पता हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म ऑफ AP इज a+n-1 × d। What is A? A is the first term of the series. N is total number of terms. Or D is common difference. So, आप इस formula से calculate कर ले। बात आई क्या सबको समझ में? बात आ गई क्या सबको समझ में? बात आ गई क्या सबको समझ में? तो फटाफट से बेटा, फटाफट से yes लिख दो या हाथ लगा दो, thumb लगा दो, अपने अपनी screen पे thumb लगा दो, मुझे पता चल जाए, आप सबको पता चल गया बेटा। तेजस सेज यस, गीतिका सेज यस, बाकी लोग भी फटाफट बोल दो बेटा। ओके ओके ओके, सिमरन सेज यस, तो सबको समझ में आ गया। सर क्या करेंगे इसके बाद? सर इसके बाद में ना इसकी लिखेंगे एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे सर इसकी? एल्गोरिथम लिखेंगे। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज ए सिंपल इंग्लिश टाइप ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फ्लोचार्ट बनने से पहले उसको अंग्रेजी भाषा में स्टेप बाय स्टेप लिख लेना ही एल्गोरिथम कहलाता है। कई लोगों को यह प्रोग्राम लगता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और है, सूडो कोड। क्या कहते हैं इसको? सूडो कोड। सर सूडो कोड क्या है? ये तो पिस्यूडो कोड है। अरे बेटा अंग्रेजी ऐसी है, ये इसमें पी साइलेंट है, इसको सूडो कोड कहते हैं। सूडो का मतलब प्रोग्राम जैसा दिखने वाला, पर वो प्रोग्राम नहीं है। इसको सूडो कोड कहता है, कोड जैसा दिखने वाला पर कोड नहीं है। सर कैसे लिखेंगे? पहला स्टेप होता है बेटा स्टार्ट। आप भी लिखते चले बेटा घर पे। पहला स्टेप होगा स्टार्ट। स्टार्ट मतलब हम शुरू कर रहे हैं, लेके हरी का नाम। बात आई क्या सबको समझ में? ओके। सेकेंड स्टेप होता है क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आई एम स्टार्टिंग ए न्यू फ्रेश जॉब, सो क्लियर ऑल द मेमोरी लोकेशन। आप सब बच्चे चैप्टर 3 में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल, ओल्ड और न्यू कोर्स के चैप्टर 2 और 3 में पढ़ते हैं। देयर इज अ सीपीयू, देयर आर सम प्रोसेसर रजिस्टर्स इन इट, देयर इज सम प्राइमरी मेमोरी इन इट। क्या उसको हमें नए काम करने से पहले खाली बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा?
बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा तो हमें कमांड देनी पड़ेगी क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। जिस तरीके से हर नया काम करने से पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं उसके लिए कमांड होती है। अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पढ़ के आए हैं, देयर इज अ कमांड CLR SCR, C++ में कमांड होती है CLR SCR। बिल्कुल वैसे ही हर काम करने से पहले हम करते हैं क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। सर आगे क्या करेंगे? आगे बेटा इसके दो तरीके। पहला तरीका है हम हर बार एक नंबर कंप्यूटर में कीबोर्ड से इनपुट करते हैं। पहले मैं 2 इनपुट करूं, फिर 4 इनपुट करूं, फिर 6 इनपुट करूं, ऐसे में 100 टाइम्स इनपुट करूं अप टू 200 नंबर। कितनी बार इनपुट करना पड़ेगा? 100 टाइम्स इनपुट करना पड़ेगा। एक बार इनपुट करने में एक सेकंड लगता है। तो 100 सेकंड इनपुट करने में लगेंगे। दैट इज टू मच ऑफ टाइम। प्रोसेस करने में एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा लगता है, लेकिन इनपुट करने में लग जाएंगे 100 सेकंड। तो सर क्या करें? ऐसा करते हैं, प्रोसेसर को प्रोसेसर की स्पीड से काम करने देते हैं। सर कैसे होगा वो? उसके लिए हम प्रोसेसर को बताएंगे कहां से शुरू करो, 2 से शुरू करो, 2-2 से आगे बढ़ो, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस 2+4+6, और 200 नंबर बनने तक बनाओ और फिर रुक जाओ। अगर ये प्रोसेसर अपनी स्पीड पे करेगा, पहले वो 2 बनाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ के 4 बनाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ के 6 बनाएगा, और ऐसे 200 तक जाएगा, तो ये सब एक सेकंड के हजारवें लाखवें हिस्से तक ही हो जाएगा। तो बताओ कौन से तरीके से फ्लो चार्ट बनाए, हम हर बार इनपुट करें वो ठीक है, या फिर प्रोसेसर को प्रोसेसिंग की स्पीड पे काम करने दे वो ठीक है? फ्लो चार्ट बनाते हुए प्रोग्रामर को और एज ए स्टूडेंट आपको, सीए स्टूडेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो हमें बेस्ट ऑल्टरनेट को चुनना है, क्योंकि एग्जाम में नंबर तभी आपको मिलेंगे। मेरे जैसा एग्जामिनर और पेपर सेटर आपको नंबर ही तभी देगा जब आप बढ़िया तरीके से उसे बनाएंगे। पत्रा सर इस मैन्यूट तरीके से बेटा पढ़ाते हैं आपको हर चीज के बारे में, चाहे EIS हो, SM हो, IT हो, SM हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। बात आगे क्या सबको समझ में? तो सिमरन कह रही है सर प्रोसेसर को करने दो, आदर्श कह रहा है प्रोसेसर को करने दो, तो बेटा प्रोसेसर से करते हैं, इनपुट वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को बताते हैं बेटा सम नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसमें सबका जोड़ आएगा। वी हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल। दो चीजें होती है बेटा दुनिया में, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, एक होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, एक होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो हम बेटा वेरिएबल ले रहे हैं सम इक्वल टू 0, जिसमें पहले 2 आएगा, फिर 2+4 6 आएगा, फिर 2+4+6 = 12 आएगा। इस तरीके से वो नंबर आगे बढ़ता जाएगा। और एक दूसरा बेटा हम वेरिएबल ले रहे हैं नंबर, जिसका स्टार्टिंग स्पेलिंग है NUM, इसकी स्पेलिंग है NUM, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं ले रहा हूं 2। 2 कौन सी वैल्यू है? ये जहां से सीरीज शुरू होती है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हैंड रेस कर दो। इतनी बात समझ में आ गई है तो जूम पे काम करने का तरीका अलग है, यूट्यूब पे अलग है, यहां पे अलग है, तो जूम पे हैंड रेस कर दो सब लोग। गीतिका कह रही है सम वाला पार्ट, उसके लिए वेरिएबल हो गया सम SUM, उसका इनिशियल वैल्यू हो गया 0, क्योंकि अभी जोड़ मैंने शुरू नहीं किया उसको। नंबर क्यों लिखा है? आपका सीरीज का पहला नंबर कहां से शुरू होगा? 2, 4, 6, 8 किस में बनेंगे? सम में तो जुड़ेंगे, पर बनेंगे किस में? नंबर में बनेंगे। सम में तो जोड़ आएगा, नंबर में वो 2, 4, 6 बनेंगे। समझ में आई क्या बेटा मनीषा? समझ में आई क्या? 2, 4, 6 किस में बनेंगे? नंबर में बनेंगे और जुड़ेंगे किस में? सम में जुड़ेंगे। बात आई क्या सबको समझ में? बेटा हमें 2+4+6 को जोड़ना है, सो वी नीड ए वेरिएबल सम। हमें 2, 4, 6 बनाना है, वी नीड अनदर वेरिएबल, दैट इज नंबर। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 वेरिएबल चाहिए, एक जिसमें सबका जोड़ा जाए 2+4+6+8 अप टू 200, वो सम में आएगा। पर ये नंबर कहां रहेगा? 2, 4, 6 बनेगा किसमें? ये बनेगा नंबर नाम के वेरिएबल में। नाउ आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। यस लिख दो या हैंड रेज कर दो। यस लिख दो या हैंड रेज कर दो। सिमरन को समझ में आ गया, तेजस को आ गया, हाँ ऐसे कर दो, कैसे कर दो, बस आपका मुझे नजर आ जाना चाहिए। श्रावणी का आ गया, तेजस का आ गया, गीतिका आ गया, पूनम का आ गया, दिलीप का आ गया, सभी लोगों का आ गया, तो सबको समझ में आ गया। गीतिका अब आपको भी समझ में आ गया होगा बेटा, जल्दी से बता दो मुझे। चलो अब बेटा क्या हुआ, आगे स्टेप करें सर।
अगला स्टेप है ये जो सम है इसमें मुझे नंबर को जोड़ना है, सो आई नीड ए मैथमेटिकल इक्वेशन, आई नीड ए मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दैट इज सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन करनी पड़ेगी सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। क्या समझ में आ रही है बेटा क्या हो रहा है इससे, क्या हो रहा है इससे, जरा समझे क्या हो रहा है इससे। ये सम और ये नंबर एक टेबल बनाएंगे अपन। इस स्टेप पे वैल्यूज क्या है बेटा, जीरो एंड टू। टेबल में देखो बेटा थर्ड स्टेप पे वैल्यूज क्या है, सम की जीरो, नंबर में क्या वैल्यूज है बेटा टू। आफ्टर द स्टेप फोर्थ, अब क्या नई वैल्यू हो जाएगी, आपको मालूम है कंप्यूटर में पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट होती है तब वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करती है, पहले वो वैल्यू राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करेगी फिर लेफ्ट में ट्रांसफर करेगी। इस मोमेंट पे सम की वैल्यू क्या है जीरो, इस मोमेंट में नंबर की वैल्यू क्या है टू लिखा हुआ है, तो जीरो प्लस टू ओके नई वैल्यू क्या बन जाएगी टू, वो जाके किसमें स्टोर होगी बेटा टू, किसमें होगी सम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी टू। बात आई क्या समझ में। अब इस दौरान क्या नंबर में कोई चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ सर, उसमें टू ही रहा। क्या ये टेबल का स्टेप आप सबको समझ में आया, क्या ये टेबल बनने का स्टेप आप सबको समझ में आया। जिसको समझ में आ गया वो रेस कर दे, थंब रेस कर दे। गीतिका ने कर दिया है, बाकी भी कर दो फटाफट से। निकुंज को समझ नहीं आया, श्रावणी को समझ में आ गया, विनय को समझ में आ गया, सब बता दो। सिमरन को समझ में आ गया, दिलीप को समझ में नहीं आया, चलो एक बार फिर से देख लो बेटा। ये हमारी एल्गोरिथम है सम जीरो नंबर टू, टेबल बनाएंगे सम नंबर की, ठीक है। यहां पे वैल्यू है जीरो, यहां पे वैल्यू है टू, लिख दो यहां पे जीरो और यहां पे टू, ठीक है बेटा। लिख दिया आपने, ओके सर लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सर ये स्टेप लिखा आपने सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, ये क्यों लिखा है आपने सर, ये क्यों लिखा है आपने, क्योंकि बेटा जो नंबर में टू है जो सम में जीरो है उन दोनों को जोड़ना है मुझे, दोनों को जोड़ना है मुझे, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। दिलीप और निकुंज से पूछना हो क्या मुझे ये दो को सम में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, इन दोनों को सम में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, दोनों लिख के बताओ बेटा मुझे जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। दिलीप कह रहा है जोड़ना है, आदर्श कह रहा है जोड़ना है, विनय विनय दिलीप आदर्श निकुंज बेटा जोड़ना है नहीं जोड़ना है, सबको कहना है जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए स्टेप होगा सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम की वैल्यू जो जीरो है, नंबर की वैल्यू जो दो है, दोनों को जोड़ो तो ये हो गया बेटा जीरो प्लस टू। फिर क्या हुआ सर, नई वैल्यू बन गई टू, आपने कहां से स्टोर कर दिया, उसको आपने सम में स्टोर कर दिया, तो सम की वैल्यू तो चेंज हो गई। हाँ बेटा तभी तो उसको वेरिएबल कहते हैं, तो अब सम की नई वैल्यू हो गई टू। और इस दौरान चूंकि नंबर में दो है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू वही रह रही है, तो वो नंबर में रहेगा टू। अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया, सम इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल बेटा, क्योंकि स्टार्ट में अभी आपने जोड़ना शुरू नहीं किया, यू हैव नथिंग, जीरो बैलेंस अकाउंट है आपका, जीरो बैलेंस अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट तो बाद में करेंगे ना बेटा, विड्रॉल डिपॉजिट तो बाद में करेंगे ना, अभी मैंने जीरो बैलेंस अकाउंट खोला है, अभी मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट है। गीतिका इज इट क्लियर टू नाउ, गीतिका इज इट क्लियर टू यू, जीरो बैलेंस अकाउंट है मेरा, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया विड्रॉल डिपॉजिट, अभी मेरा डेबिट क्रेडिट ही नहीं हुआ है। सबको समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बताओ सर, आगे बताओ सर, आगे बताओ सर, बेटा बिल्कुल बताएंगे। फिफ्थ स्टेप, जब पहला स्टेप बन जाता है कहां तक जाना है हम कंडीशन में पूछेंगे, तो हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होगी क्या नंबर 200 बन के जुड़ गए, क्या नंबर 200 बन के जुड़ गए, तो प्रिंट कर दो सम को और एंड कर दो, काम कर दो खत्म। क्या नंबर 200 तक बन के जुड़ गए, हमारी लास्ट स्टॉपिंग कंडीशन आ जाती है। जैसे ही पहला स्टेप हो जाएगा हम कहेंगे क्या हमारा लास्ट स्टेप पहुंच गया, क्या अभी कहां पहुंचा है, अभी कहां पहुंचा है, अभी तो नंबर 2 ही है, 200 थोड़ी हुआ है, तो आगे क्या करना है। अब हमें नंबर को 2 से 4 बनाना है, तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर इक्वल टू, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू। सर ये प्लस टू क्यों किया, बिकॉज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, इसलिए ये स्टेप लिखना पड़ा बेटा जी, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू। क्या सबको समझ में आया, सिक्स स्टेप, फिफ्थ स्टॉपिंग कंडीशन है, फिफ्थ इज ए स्टॉपिंग कंडीशन, कहां रुकना है, नंबर 200 हो जाएगा तो रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना है। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या करने का है, अगला स्टेप बनाने का है। अगला स्टेप क्या है, कॉमन डिफरेंस के साथ, कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख दे या थंब का इंप्रेशन दे दे, यस लिख दे या थंब का इंप्रेशन दे दे बेटा। मैं आप खत्म करूंगा अगले 5 मिनट में बेटा, 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट में खत्म हो रहा है फ्लो चार्ट बन के पूरा, फिर कल इसको और आगे बढ़ाएंगे अपन। कल हमारा टाइम फिर से 6 से 7 है, एवरी फ्राइडे सैटरडे 6 to 7, एवरी फ्राइडे सैटरडे ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, जूम पे आपको जानकारी आ जाएगी, यू हैव टू ज्वाइन द क्लास, ओके बेटा। तो जल्दी से मुझे थंब दे दे या जल्दी से मुझे यस सर लिख दे, आपको इतना समझ में आ गया।
तो सभी ने थम दे दिया है, सभी ने यस लिख दिया है, सबको समझ में आ गया। सर आगे क्या करेंगे? बहुत आसान बेटा, आप तो बन गया। अगर नंबर में नंबर प्लस दो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2+2, नंबर में 4 हो जाएगा। टेबल देखो, 2+2 नंबर में कितना हो गया? 4 हो गया। सर इसको सम में नहीं जोड़ेंगे क्या? अरे बेटा बिल्कुल जोड़ेंगे ना। तो जोड़ने के लिए या तो वापस से यहां पे लिखूं सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, या फिर ऊपर लिखा हुआ है उस स्टेप पे नहीं भेज दूं मैं इसको, उस स्टेप पे नहीं भेज दूं इसको, गो टू 4। इसको कहते हैं लूप। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं लूप। दिस इज कॉल्ड एज लूप। बात आई समझ में? हम सेवंथ स्टेप से जो स्टेप लिखा हुआ वापस उसको भेज देंगे। कहां भेजेंगे इसको? फोर्थ स्टेप पे, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो अब बेटा जब ये गो टू कर रहा है वहां पे, उस समय नंबर की वैल्यू क्या चल रही है? 4 चल रही है। सम में उस समय क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। सम में उस समय क्या चल रहा है? टेबल में। सम में क्या चल रहा है उस समय? टेबल में 2 चल रहा है। नंबर में क्या चल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू देखते बेटा, पुरानी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, 4 चल रहा है। तो सर दोनों को जोड़ दो ना, तो 2+4 कितना हो गया बेटा? 2+4 कितना हो गया? 2+4 हो गया 6। 2+4 कितना हो गया? 6। अब ये 6 कैसे बनाए? 2+4 से बनाए। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कंप्यूटर नहीं ऐसे लिखता, कंप्यूटर तो 6 ही लिखेगा, पर आपको समझा रहा हूं बेटा 2+4 से 6 बनाए। बात आई क्या सबको समझ में? सेकंड स्टेप ऑफ द टेबल, सेकंड स्टेप ऑफ द टेबल, सबको समझ में आया क्या? समझ में आ गया सबको? ऐसे होता है बेटा। बात आई सबको समझ में बेटा, ऐसे होता है। अच्छा सर फिर क्या होता है? अगला स्टेप पढ़ेंगे। क्या नंबर 200 है? नहीं है। तो नंबर में 2 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। 4+2 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 4+2 कितना हो जाता है बेटा? 6 हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? ये 6 को हम गो टू 4 करेंगे तो 6 में जोड़ देंगे। 6+6 12 हो जाएगा। कैसे बना बेटा? 2+4+6 से बना। 2+4+6 से बना, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है बेटा? नंबर में 2 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। नंबर में 2 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 6+2 8 हो जाएगा। अच्छा सर फिर क्या करेंगे? गो टू 4 करेंगे, सम में जोड़ देंगे उसको, सम प्लस नंबर। 12+8 कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। कैसे बना प्लस बेटा? 2+4+6+8 बन गया। 4 स्टेप तक अगर बेटा टेबल ठीक बनी, यहाँ 2 बना 2 जुड़ा, 4 बना 4 जुड़ा, 6 बना 6 जुड़ा, 8 बना 8 जुड़ा, इसका मतलब टेबल बिल्कुल ठीक फ्लो चार्ट को बनाएगी। अगर 4 स्टेप तक आपकी टेबल फ्लो चार्ट से ठीक बनती है, या एल्गोरिथम से ठीक बनती है, सूडो कोड से ठीक बनती है, इसका मतलब आपका काम ठीक हो रहा है। गीतिका कह रही है एक बार 6 और 7 एक्सप्लेन करना। 6 का मतलब होता है बेटा अगला स्टेप बनाने के लिए प्रोसेसिंग टर्म लिखो। तो मुझे 2 से 4, 4 से 6 बनाना है तो कॉमन डिफरेंस का स्टेप लिखना पड़ेगा। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, मतलब अर्लियर नंबर अगर 2 है तो 2 और 2 जोड़ के 4 बनाओ, अगर 4 है तो 4 और 2 जोड़ के 6 बनाओ, 6 है तो 6 और 2 जोड़ के 8 बनाओ, ठीक है। ये तो है 6 करने, ये तो 6 है गीतिका। लेकिन अगर आप इसको सम में जोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको 7th स्टेप में लिखना पड़ेगा बेटा गो टू स्टेप नंबर 4, जहां पे सम इक्वल टू सम प्लस नंबर हो रहा है। क्या गीतिका को ये बात समझ में आई? मनीषा कह रही है काउंट भी लगाते हैं ना? बिल्कुल लगाते हैं, वो सवाल करेंगे बेटा। अभी इनिशियल लेवल पे मैं डिफिकल्टी नहीं बढ़ा रहा हूँ, है ना, ये वो भी कराऊंगा, काउंट वाले भी कराऊंगा बेटा। क्या सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो हैंड दे दो या थम दे दो, हैंड दे दो या थम दे दो, हैंड दे दो या थम दे दो। श्रावणी, पूनम, सबको समझ में आ गया? ओके ओके ओके। चलो तो सर ये बन गया एल्गोरिथम, बिल्कुल टेबल समझ में आ गई, एल्गोरिथम और टेबल समझ में आ गई। सबने नोट डाउन कर दी, सबने नोट डाउन कर दी, सबने नोट डाउन कर दी, सबने नोट डाउन कर दी। हाँ बेटा सबने नोट डाउन कर दी। तो सर अब इसका फ्लो चार्ट बनाना सिखा दो ना। अरे बेटा आपको फ्लो चार्ट बनाना आ गया, आपको फ्लो चार्ट बनाना आ गया। सर क्या बात कर रहे हैं, आपने तो बताया ही नहीं। अरे बेटा अब देखो फ्लो चार्ट बन रहा है, घड़ी में समय नोट करो बेटा। मेरे पास हुए हैं बेटा, कितना समय हुआ है? 7:08 अपनी घड़ी में टाइम नोट करना, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं। आपका ध्यान एल्गोरिथम पे होना चाहिए बेटा। पहला स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप क्या है एल्गोरिथम का? फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? फर्स्ट स्टेप है सर स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट। तो मैंने लिखा स्टार्ट, कौन से सिंबल में डालूंगा बेटा? ओवल सिंबल में डालूंगा, ओवल सिंबल में डालूंगा स्टार्ट के साथ में। सेकंड सिंबल क्या है बेटा? सेकंड सिंबल है CAWL, प्रोसेसिंग बॉक्स में डालूंगा, क्योंकि यहां सब चीजें क्लियर होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सम इक्वल टू सम प्लस 0, नंबर इक्वल टू 2, थर्ड स्टेप है बेटा रेक्टेंगल में डालूंगा क्योंकि प्रोसेसिंग मानते हैं इसको अपन। फोर्थ स्टेप क्या है बेटा? अगेन प्रोसेसिंग का है, रेक्टेंगल में डालेंगे सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद क्या है? कंडीशन, क्या कंडीशन है? डायमंड बॉक्स में डालेंगे इफ नंबर इक्वल टू 200,
यस करता है तो हमें प्रिंट करने के लिए कहा है, तो प्रिंट का सिंबल बनाएंगे बेटा, प्रिंट किसको प्रिंट करेंगे, सम को, और फिर हमें एंड करने के लिए कहा है तो बेटा एंड में हम टर्मिनल सिंबल लगा देंगे। फिर अगर एक स्टेप था बेटा, जब वो नो करता है, नो करता है तो क्या करते हैं अपन, नंबर को दो से बढ़ाते हैं, सो नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, और उसके बाद गो टू फोर करते हैं, गो टू फोर करते हैं तो बेटा यहाँ ले आते हैं, सो दिस इज फ्लो चार्ट, दिस इज फ्लो चार्ट। कितनी देर में बना बेटा, टाइम नोट किया क्या सबने, कितनी देर में बना बेटा, टाइम नोट किया क्या, एक मिनट भी नहीं लगा मुझे बनाने में। हाउ मच टाइम आई हैव टेकन टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, हाउ मच टाइम आई हैव टेकन टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, कौन बताएगा मुझे, मुझे एक मिनट भी नहीं लगा, मुझे एक मिनट भी नहीं लगा फ्लो चार्ट बनाने में। अगर आपको एनालिसिस समझ में आता है, अगर आपको एल्गोरिथम लिखना आता है, आपकी टेबल सही बनती है, तो फ्लो चार्ट एक मिनट का काम है, फ्लो चार्ट एक मिनट का काम है, इतना आसान है बेटा फ्लो चार्ट, इतना आसान है बेटा फ्लो चार्ट। पहले फ्लो चार्ट बना लो सब लोग, फिर टेबल दिखा देता हूँ वापस से, फ्लो चार्ट बना लो सब लोग, फिर टेबल दिखा देता हूँ, फ्लो चार्ट बना लो सब लोग, फिर टेबल दिखा देता हूँ बेटा। हाँ फ्लो चार्ट बना लो फिर टेबल दिखा देते हैं, फिर से समझ लो सारे लोग। पहला एल्गोरिथम में स्टेप क्या था, स्टार्ट, तो स्टार्ट लिखा और उसको ओवल में डाल दिया, ये सिंबल था। फिर एरो बनाया, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एरो बनाया, फिर CAWL प्रोसेसिंग, सबको 000 क्लियर कर देना, तो 000 सबको क्लियर करना रेक्टेंगल में आता है। फिर एरो बनाया, फिर सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू, असाइनमेंट स्टेप है, प्रोसेसिंग है, रेक्टेंगल में डाल दो, साइज छोटी बड़ी हो सकती है, साइज छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप बोलो सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, एडिशन हो रहा है, रेक्टेंगल में डालेंगे, साइज छोटी बड़ी हो सकती है। उसके बाद कंडीशन थी, डायमंड बॉक्स बना देंगे, डायमंड में लिखेंगे इफ नंबर इक्वल टू 200, फिर यस, यस पे तो क्या था, प्रिंट करना था, पेपर का सिंबल बना दिया और एंड कर दिया। नो करता है तो अगला स्टेप था नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, प्रोसेसिंग बॉक्स पर डाला, एरो के साथ वापस से गो टू फोर में ले जाके जोड़ दिया। बट्टा इतना ही तो है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट को डिफिकल्ट है क्या, बत्रा सर के साथ फ्लो चार्ट से आसान कुछ नहीं। बत्रा सर फ्लो चार्ट ऐसे पढ़ाते हैं बैठ जाता है, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे बेटा, कभी नहीं भूलोगे। बना लिया क्या सभी ने बेटा, बना लिया क्या सभी ने, बना लिया क्या सभी ने। चलो तो टेबल देख लो बेटा, टेबल देख लो सभी लोग, टेबल देख लो सभी लोग, टेबल देख लो सभी लोग, एक साथ दिखा दूं, देख लोगे सब लोग, या छोटा है काफी, इट इज इट विजिबल, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल टू यू, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा सब एक साथ देख लो, एक साथ टोटालिटी में देख लो, एक साथ टोटालिटी में देख लो। कल हमारी फिर से क्लास है बेटा 6 से 7 बजे, इसी पे है ना, इसी लिंक से आपको दोबारा से जुड़ जाना है, और भी अपने फ्रेंड सर्कल को ले आओ, पूरा फ्लो चार्ट करा दूंगा बेटा। 6 to 8 marks ग्रैब कर लो बत्रा सर के साथ, 6 to 8 marks ग्रैब कर लो ऑन एवरी फ्राइडे सैटरडे, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात आई क्या सबको समझ में। ये है बेटा बत्रा सर ऐप, दिस इज बत्रा सर ऐप। कहां मिलेगा सर आपको ये, कहां मिलेगा बेटा, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे और वहां पे बेटा आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे बेटा आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे। कहां जाएंगे बेटा आप, कहां जाएंगे सारे लोग, आप जाएंगे बेटा गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप सारे लोग। गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या टाइप करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके बेटा आप सबको टाइप करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप सबको टाइप करना है बेटा। क्या टाइप करेंगे आप बेटा, आपको टाइप करना है बत्रा सर, बत्रा सर, आपको टाइप करना है बत्रा सर। जैसे आप बत्रा सर टाइप करेंगे, पहला वाला ऐप खुल जाएगा आपके सामने, बत्रा सर ऐप फॉर सीए प्रिपरेशन, आपको इसे क्लिक कर देना है, आपको इसे क्लिक कर देना है, और ये आपके मशीन में इंस्टॉल होने के लिए तैयार है बेटा, ये आपके मशीन में इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। ठीक है, डीजी बुक टेक्नोलॉजी कॉपी किताब का प्लेटफॉर्म है बेटा, जिसपे हम अवेलेबल है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए ऐप अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए स्ट्रेट अवे इसके फीचर्स बता देता हूँ बेटा मैं आपको। ये रहा बेटा हमारा ऐप बत्रा सर, इसका इनिशियल स्क्रीन आपको ऐसा दिखाई देगा बेटा, ऐसा दिखाई देगा आपको स्क्रीन, इनिशियल स्क्रीन देखे पहले बेटा, सीपीटी लिखा हुआ है, सीपीटी की जगह बेटा इसको फाउंडेशन मानना। उसके बाद फ्री रिसोर्सेज है बत्रा सर के, सीए फाइनल के नोट्स पड़े हैं, अमेंडमेंट नोट्स पड़े हैं मई और नवंबर 20 के, हिंदी और इंग्लिश में ITSM के सबने नोट्स पड़े हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हो बेटा। उसके बाद आपको जाना बेटा अदर्स में, अदर्स में जाओगे तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। नीचे देखो आपको बेटा ई बुक्स नजर आ रही है, स्टडी पैकेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद माई लाइब्रेरी नजर आ रही है, उसके बाद टेस्ट पेपर्स नजर आ रहे हैं बत्रा सर के, सारे टेस्ट पेपर्स आ गए बेटा। फ्री रिसोर्सेज में भी कई सारे बेटा टेस्ट पेपर्स है, आप यहां से डाउनलोड करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए देखो बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, IT के लिए, SM के लिए, EIS के लिए, कई तरीके के बेटा अवेलेबल है। देखो बेटा टेस्ट दे सकते हो, रियल टाइम टेस्ट दे सकते हो बेटा आप यहाँ पे, रियल टाइम टेस्ट दे सकते हो बेटा, रियल टाइम टेस्ट दे सकते हो बेटा। आपको क्विज शुरू करना है, तुरंत क्विज शुरू हो जाएगा बेटा, क्विज शुरू हो गया देखो आपका,
स्टार्ट द टेस्ट। देखो आपके सामने सवाल आ गया, पहला चैप्टर बिजनेस पॉलिसी, चैप्टर नंबर वन से बिजनेस पॉलिसी टेंड्स टू एम्फेसाइज ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपका टाइम शुरू हो चुका है, ऊपर टाइमर आ रहा है, देखो एक घंटे का टेस्ट है, 59 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, सिस्टम एनालिटिकल होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है, क्रिटिकल रेशियो एनालिसिस होता है, तो रेशियो एनालिटिकल होता है, फोर्थ इज द सही आंसर है इसका। चलो उसके बाद देखो प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, मैं नेक्स्ट करता हूं, अगला सवाल आता है। इस तरीके से बेटा बहुत सारे आपके सवाल आते रहेंगे, मैं कुछ सवालों का जवाब दे रहा हूं आपके सामने। सेकंड इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी आर फॉर्मुलेटेड विच लेवल, ये फ्री है बेटा, ये फ्री है, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी कितने लेवल पे बनती है बेटा, सभी पे बनती है, कॉर्पोरेट डिवीजन फंक्शनल पे, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से आप सवाल दे सकते हैं, मैं कंप्लीट करता हूं क्विज को बेटा। तो देखो इमीडिएटली आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, इमीडिएटली आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखो कहता है टोटल सवाल थे 36, आपने केवल दिए 2 सवालों के जवाब, आपके दोनों सवाल थे सही, रॉन्ग आंसर आपका था नहीं, 34 सवाल आपने जवाब नहीं दिए। आप रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये ग्राफ में आ गया बेटा, ये सारे सवाल आ गए आपके सामने। तो बेटा बहुत आसान है बत्रासर ऐप, और आपके लिए बनाए गए बेटा बहुत सारी हेल्प के लिए। अच्छा हमारे सारे वीडियोज अवेलेबल है, नीचे वीडियोज में जाएंगे तो वीडियोज अवेलेबल है बेटा, आपके स्टोर में चले जाओ और स्टोर में जाने के बाद एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करोगे बेटा तो ऊपर अदर्स आ रहा है, अदर्स में नीचे की तरफ जाएंगे बेटा तो बत्रासर आएगा, बत्रासर में जाने के बाद क्लिक करेंगे तो देखो हमारी ई बुक्स नजर आएंगी, टॉप के टैब में ऑल में सब आ जाएगा, ऊपर बढ़ेंगे तो ई बुक्स आएंगी जिनको आप परचेस कर सकते हो बेटा। देखो 141 रुपीज में समरी नोट्स पड़े हमारे, ठीक है, इसका की फाइनल बुक पड़ी है 141 में, 70 रुपीज में अमेंडमेंट नोट्स पड़े हैं बेटा, आईटी की हमारी बुक पड़ी है 141 में डिस्काउंट के साथ में, और आईटी की ओल्ड कोर्स की बुक पड़ी है इंग्लिश में 141 पे, क्वेश्चन बैंक पड़ा उसका 426 पे, उसका ओरिजिनल प्राइस 59 था, 29% ऑफ चल रहा है, 108 लोग अब तक बेटा इसको देख चुके हैं, ले चुके हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक पड़ी है, फ्लो चार्ट पड़ा है बेटा 70 रुपीज पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 70 रुपए में पढ़ा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है, ये इसका न्यू कोर्स पढ़ा है, उसका सब कुछ पढ़ा है बेटा, वीडियोस पढ़े हैं बेटा हमारे सारे, जिसको मैंने बताया आपको 199 पे हम दे रहे हैं, 1999 रुपए पे बत्रा सर के ऑफलाइन सारे रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी है, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, करीब 90 से 100 घंटा ओल्ड कोर्स है और 120 घंटा न्यू कोर्स है, नवंबर 20 और मई 21 के लिए बेटा आप सबको मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 भी मिलेंगे बेटा आपको, आराम से एग्जाम दे सकते हैं, इससे सस्ता कुछ नहीं है मार्केट में। पेन ड्राइव भी बत्रा सर की 10,000 की है, ये स्पेशल ऑफर है बेटा 74th इंडिपेंडेंट डे पे, ब्रॉट टू यू बाय बत्रा सर एंड कॉपी किताब जॉइंटली। तो बेटा इसमें सारे लेक्चर्स पड़े हैं, आप देख सकते हैं बेटा इसमें, फिर टेस्ट प्रिपरेशन भी पढ़ी है बेटा इसमें, टेस्ट प्रिपरेशन को भी देख सकते हैं इसमें, बहुत सारे टेस्ट सीरीज पढ़ रखी है, कितने 46 रुपीज पे आप परचेज कर सकते हैं और आप टेस्ट दे सकते हैं बेटा। तो ये था बेटा बत्रा सर ऐप आपके लिए, हम कल फिर मिलते हैं बेटा शाम को 6 बजे, 6 से 7 आपका हमारे साथ टाइम फिक्स हो गया, हर फ्राइडे सैटरडे। अभी फ्लो चार्ट की सीरीज चलाएंगे, खत्म करेंगे, फिर कुछ और टॉपिक देंगे। तो बेटा अभी के लिए मैं इतना ही खत्म करता हूँ इसको, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, कल फिर से मिलते हैं बेटा शाम को 6 बजे, थैंक यू वेरी मच बेटा।